मथुरा जनपद भी अब जल्द कोरोना मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में मात्र 5 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं, जबकि पिछले 5 दिनों से एक भी कोरोना संक्रमित जनपद में नहीं मिला है। आज हम बात करेंगे मथुरा जिले के कोरोना आंकड़ों की, कि मथुरा में कुल कितने एक्टिव मरीज हैं, नए केस कितने आए हैं, जाँचें किस प्रकार से चल रही हैं और मथुरा कब कोरोना मुक्त होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, वहाँ अब एक भी केस नहीं है और नए केस भी नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के मथुरा जिले के कोरोना के नोडल प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह। डॉक्टर साहब बताएं, मथुरा में क्या ताज़ा स्थिति है कोरोना को लेकर? जनपद मथुरा में फिलहाल वर्तमान में जो हमारी स्थिति है काफ़ी नियंत्रण में है और काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और हमारे जनपद में पिछले 5 दिन से कोई भी नया केसेस नहीं आया है। जो भी केस आया है वो हमारा बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसमें से टेस्टिंग में था, एक लोग जो दिल्ली से थे, जो टीमें हमारी स्टेशन पे या उस पर लगी हुई हैं उसमें पॉजिटिव आया था। और अगर एक्टिव केसेस की जो बात करी जाए, हमारे जनपद में इस समय 5 केस के करीब हमारे एक्टिव केसेज हैं। ये जो 5 आपके एक्टिव केस हैं वो कहाँ भर्ती हैं, उनकी कैसी स्थिति है, क्रिटिकल है या सामान्य है, कैसे मरीज हैं वो? देखिए, वो जो हमारे जो मरीज़ हैं वो सारे होम आइसोलेशन में हैं और सारे सब ठीक हैं और अंडर हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारी टीम है, हमारे ऑफिस से जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है या हमारी RRT टीम है वो लोग उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 5 केवल एक्टिव केस हैं, तो अब और नए केस कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? देखिए, पिछला केस हमारा 1 30 तारीख को और 29 तारीख को आया था, वो केस दिल्ली का था, दूसरे स्टेट का था, क्योंकि जनपद मथुरा हमारे कई प्रदेशों से लगा हुआ है, नियरेस्ट में इधर हरियाणा है, राजस्थान है और मुख्य रूप से दिल्ली NCR से लगा हुआ है। क्योंकि मथुरा एक धार्मिक स्थान है, यहाँ लोगों का लगातार आना जाना रहता है, लोग सैटरडे संडे में आते हैं, उसी के मद्देनज़र जो बाहर से आने वाले लोग हैं जिन प्रदेशों में संक्रमण ज़्यादा है उसको देखते हुए हमारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बॉर्डर पर भी टीमें लगी हुई हैं जो सैंपलिंग कर रही हैं लगातार। तो लगभग कितने 5 दिन से केस नहीं आया कोई? हाँ, 5 दिन से कोई केसेस नहीं आया हमारे जनपद में नया। अच्छा, मेरा सवाल है कि अगर नए केस नहीं आ रहे हैं तो इसका क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है टेस्टिंग कम कर दी हो, बंद कर दी? नहीं, हमारी टेस्टिंग जो है पहले की कंपेरिजन में काफ़ी बढ़ गई है, शासन ने भी हमें टारगेट बढ़ाने का दिया, तो वर्तमान में भी हमारे जो लगभग 4000 के केस जो टेस्टिंग हमारी पर डे हो रही है, जिसमें एंटीजन, RT-PCR और ट्रू नॉट भी शामिल है। अच्छा, जो आपके 5 केस बता रहे हैं अभी पॉजिटिव है, अभी एक्टिव केस हैं, तो एक जो मरीज है उसको स्वस्थ होने में लगभग सामान्य आप बता रहे हैं स्थिति, तो कितने दिन में उसको डिस्चार्ज कर दें? देखिए, इसका हमारा जो होम आइसोलेशन में मरीज है वो हमारा 17 दिन का है, 10 दिन होम आइसोलेशन में रहता है, 7 दिन उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। माना जाए कि 10 दिन बाद अगर वो सब स्वस्थ रहे, नया केस नहीं आया, तो 10 दिन के भीतर मथुरा कोरोना मुक्त हो जाए? हाँ, अगर वो सारे सब ठीक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो नया केस नहीं आता है, तो हम उस ओर कदम बढ़ाएंगे मथुरा के कोविड फ्री होने की दिशा में। आम जनता से और क्या कहना चाहेंगे जिससे कि वो इस कोरोना के संक्रमण से बचे? देखिए, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन मथुरा लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो कोविड के सारे नियमों का पालन करें और जो भी गाइडलाइन बताई जा रही है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जब तक आवश्यक न हो तब तक ना जाएं। दूसरा, साथ ही साथ ये भी है कि लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जनपद में लगातार वैक्सीनेशन का काम सभी जगह चल रहा है, कैंप भी लगाए जा रहे हैं हमारे सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे भी लग रहे हैं, जो लोग सक्षम नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने में उनको ऑन स्पॉट हमारे जहाँ कैंप लग रहे हैं वहाँ जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये आपने सुना, डॉक्टर भूदेव सिंह ने पूरे मथुरा के कोरोना आंकड़ों की जानकारी दी है, और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आपका मथुरा जनपद बहुत जल्दी कोरोना मुक्त होने वाला है। अगर इसी तरह की स्थिति रही तो जैसा उन्होंने बताया कि केवल 5 एक्टिव केस बचे, यानी जो मथुरा में अगर हम सबसे अधिकतम एक्टिव केस की बात करें तो ये आंकड़ा 4000 के आसपास भी पहुंच चुका था जब दूसरी लहर अपने चरम पे थी, तो मथुरा में भी भारी संख्या में केस थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपने सक्रिय लगी रही, जांचें करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, तो उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे दूसरी लहर को काबू में किया और आज मथुरा की स्थिति भी बहुत ही, इसको हम कहते हैं, संतोषजनक है और कंट्रोल में है, काबू में है। केवल 5 केस बचे हैं और जैसा डॉक्टर ने बताया कि 5ों एक सामान्य स्थिति में होम आइसोलेशन में है, और अगर कोई नया केस नहीं आता है तो इन्हें भी आज अगर हम बात करें
तो 4 अगस्त है और 10 दिन बाद होम आइसोलेशन से फ्री हो जाता है। तो 14 अगस्त तक, यानी कि हमारा जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो उस दिन हमारा मथुरा कोरोना फ्री हो सकता है। तो बस होगा तभी जब हम और आप सतर्कता बरतेंगे, सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो सतर्कता बरतने की बात है, सावधानी की, वो हम और आपकी जिम्मेदारी है। इससे हम और आप अपने घर परिवार अपने शहर को बचा सकते हैं। मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, बरसात का भी मौसम है, इसमें और भी तमाम बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। और ऐसे में अपना, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मथुरा धार्मिक स्थल है, बाहर के लोगों का आवागमन रहता है, और जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उस क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति आएगा और आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो आप भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए मथुरा को जल्दी कोरोना मुक्त करने के लिए हम और आपको सतर्कता बरतनी है, सावधानी रखनी है, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है, और जल्दी फिर हमारा मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कोरोना मुक्त हो जाएगी। जी, 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।